नहाए खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। घाटों पर सफाई की जा रही है। प्रयागराज में छठ घाटों पर साफ सफाई का कार्य चल रहा है। कुछ छठ घाटों पर निर्माण कार्य भी जारी है। प्रयागराज में छठ पूजा का मुख्य स्थान है, जहां पूजा के लिए बेदियां बनाई जा रही है। छठ आयोजन समिति द्वारा छठ स्थल पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारियां की जा रही है। छठ स्थल पर साफ सफाई के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। छठ पूजा व्रत को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। ये सूर्य की पूजा है और ये छठ पूजा के नाम से डाला छठ के नाम से प्रचलित है और ये कार्तिक के छठी तिथि को ये हर साल लगती है। सूर्य भगवान की आराधना होती है और यह व्रत बड़ा ही पवित्रता का व्रत है। यह 4 दिनों तक चलता है। पहले दिन नहाए खाए से व्रत होता है, सवेरे नहाती है और शाम को भी नहाती है, अपने शरीर को पवित्र करती हैं। फिर दूसरे दिन खरना बोला जाता है, उस दिन सवेरे से स्नान करके शाम को भी स्नान करेगी, सारा दिन उपवास रह करके शाम को केवल गुड़ और ये गुड़ की खीर बना करके लौकी की हल्की सब्जी खाएंगी, जिससे कि किसी प्रकार की विकृतियाँ ना हो। और दूसरे दिन 36 घंटा निराजल व्रत रहेंगी औरतें और जल भी नहीं लेंगी। उसके बाद डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगी। फिर ये आप सप्तमी को ये उगते हुए सूरज को अर्घ देख के व्रत का प्रण करेगी और उत्तम प्रसाद ग्रहण करेगी। यह पवित्रता का पर्व है और इसमें प्रकृति पूजा होती है। सारी सामग्रियाँ इसमें विशेष ध्यान यह दिया जाता है कि शुद्धता और पवित्रता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होता है। इस संबंध में यहाँ तक औरतें जो पवित्रता के में एक गाना तक अपनी लोकगीत में गाती है कि केरवा जे फरला गवदी से तापर सुगा मेड़ा राय सुगावा के मर बो धनुष से सुगा जई है मुरु छाई। माने पवित्रता के लिए फल की शुद्धता होनी चाहिए, जो भी ठेकवा उकवा पकवान बत उसकी पवित्रता होनी चाहिए। ये पूरा शुद्धता का विशेष इसमें ध्यान दिया जाता है। यह व्रत से धन धन की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति की जाती है, आरोग्य होता है। सूर्य जो है सभी देवों में देव हैं और ये सूर्य की आराधना अनाज काल से ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद में होती आई है। इसकी पूजा जब अयोध्या से रामचंद्र जी ने दिवाली पर लौट करके आए और अपने आराध्य देव सूर्य भगवान की छठी के दिन पूजा किया। महाभारत काल में भी इसका उल्लेख मिलता है कि द्रौपदी वनवास के समय अपने पति के कल्याण के लिए ये छठ पूजा का व्रत किया और महाभारत की रचना हुई। और कर्ण जो है सूर्यपुत्र कहलाता था, वह भी अपने क्षेत्र में सामूहिक रूप से इसकी उपासना कराता था, इसलिए बिहार से ये प्रसिद्ध बिहार के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ।